अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? स्टोरी पॉइंट चैनल से मैं आपका होस्ट काशिफ खान सागर, एडवोकेट डायरेक्टर ऑफ द नेशनल जुडिशियल अकेडमी इमेल खान से। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक निकाहनामा, निकाहनामे के लवाजमात, उसके हदूद कई अख्तियार हकूक और फराइज पर मुश्तमिल है। इस टॉपिक पर बात करने से कबल, जैसा कि पहले हम एक अपना लेक्चर लीगल सीरीज का रिकॉर्ड कर चुके हैं और नाजरीन की तरफ से उस पर दाद वारा लाइक सब्सक्रिप्शन से हमारा हौसला बढ़ा है, आपकी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम करते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि इस चैनल को, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मजीद अवामोनास तक, मजीद से ज्यादा लोगों तक ये मालूमात जा सके और उनको फायदा हो सके। जिस तरह अलामा इकबाल साहब का एक शेर है, फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ। जी तो नाजरीन, चलते हैं अपने टॉपिक की जगह। नाजरीन, निकाहनामा जो शादी दो एक मर्द और एक औरत की आपस में जाती जिंदगी की शुरुआत का जो सबूत है या जो डॉक्यूमेंट है उसको निकाहनामा कहते हैं। जो शरी तौर पर अगर देखा जाए तो निकाह होता था, आज के दौर में निकाहनामा हो चुका है। इसकी हिस्ट्री 1961 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जब तश्कील दिया गया उसके अंदर ये शिफ्ट डाली गई थी निकाहनामे की, कि निकाहनामा बनाया जाए, उसे पब्लिक डॉक्यूमेंट का दर्जा दिया गया। इससे पहले जितनी भी होती थी शरी निकाह होते थे, इजाब व कबूल और बाकी चीजें, आज हम उस पर भी बात करेंगे। जरा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ जो हिस्टोरिकल हिस्ट्री है इसकी, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उनको जरा हम डिस्कस कर रहे हैं कि मुस्लिम लॉ फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 के ताबे ये निकाहनामा जो है ना ये जारी किया गया। इसके अंदर एक से लेके आपके पास 25 तक कालम होते हैं। सबसे पहले जो अहम चीज है वो ये कि निकाहनामे के चार पर्त होते हैं, जिसमें से पहला पर्त खावंद को दिया जाता है, दूसरा पर्त बीवी को दुल्हन को दिया जाता है, तीसरा पर्त निकाह रजिस्ट्रार के पास होता है या वो तीसरा पर्त जिन काउंसिल में जमा किया जाता है, और चौथा पर्त निकाह रजिस्ट्रार के पास होता है। ताकि बतौर सबूत जब रजिस्टर जमा कराया जाता है निकाह रजिस्ट्रार की तरफ से, उसके अंदर ये सबूत मौजूद होता है कि किस निकाह खान ने इसको निकाह पढ़ाया था, निकाह रजिस्ट्रार ने ये निकाह रजिस्टर किया था। आइए अब चलते हैं निकाहनामा की तरफ कि निकाहनामा के अंदर जो 25 कालम है वो है क्या। सबसे पहला जो कालम है वो वार्ड का नाम है, उस एरिए में जहां पर निकाह पढ़ाया जाता है, इजाब कबूल वगैरह बाकी लवाजमात करके निकाहनामा एग्जीक्यूट किया जाता है, वो वार्ड वो एरिया का नाम है। और वो वार्ड जिस एरिया के अंदर होता है, वो टाउन, वो यूनियन काउंसिल, जिससे जहां से निकाह रजिस्ट्रार को निकाह रजिस्टर इशू किया जाता है, वो उसकी डोमेन के अंदर जो आता है वो उसको यूनियन काउंसिल टाउन कमेटी कहा जाती है। और फिर वो जिस तहसील या जिस थाना के हदूद में जो वो मौजूद हो, जहाँ तहसील हो तहसील की जाती है, जहाँ थाना आ जाए वहां थाने के हदूद की जाती है, तो जिस थाने तहसील के दूर में मौजूद हो वहां पर उसका जिक्र आता है। इसके बाद उसका जिला आ जाता है जहां पर ये शादी होती है, ताकि वो जो डिस्ट्रिक्ट जो मेन है उसको भी वहां काउंट किया जा सके। ये मुस्लिम लॉ फैमिली ऑर्डिनेंस का एक बहुत बड़ा जो है ना ये एक किरदार था, और मुस्लिम लॉ फैमिली ऑर्डिनेंस में ये बेहतरीन तरीके से इस चीज को कंपाइल किया गया।
उसके बाद दूसरा जो कालम है वो दुल्हा के हवाले से है, खावंद के हवाले से है कि वो उसका नाम, पता, कौमियत, सकूनत। और कालम नंबर तीन जो है वो दुल्हा की उम्र, बिल्लिहाज शनाख्ती कार्ड, उसके पब्लिक डॉक्यूमेंट, उसके हवाले से उम्र का तयन किया जाता है। उसके बाद कालम नंबर जो चार आ जाता है हमारे पास वो दुल्हन के हवाले से है, उसके नाम, पता, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके एड्रेस, कौमियत वगैरह से। कालम नंबर पांच में दुल्हन की उम्र के बारे में बताया जाता है, जिस तरह कालम नंबर जो हमारा तीन है वो दुल्हा की उम्र के हवाले से है। यहाँ पर एक और अहम बात मैं आपको बताता चलूं कि इस टाइम जो नई कानून साजी आई है उसके मुताबिक 18 साल कम अज कम उम्र होना दुल्हा और दुल्हन की जरूरी है, लेकिन जो शरी निकाह है उसके ताबे जो है ना लड़की और लड़के का साने बलोगत में दाखिल होना, पुबर्ट होना जरूरी है लड़की का, और जो मर्द का बालिग होना जरूरी है जहां से वो आपसे कर सके, और फीमेल के लिए सेक्रेशन है। ये दो चीजें हैं शरी निकाह में, और कानून निकाह में दो फर्क है। यहां से एक और अहम टॉपिक निकलता है कि ये शरीयत का जो शरी चीजें हैं ये क्या है और कानूनी चीजें क्या है। देखिए जहां पर जमहूर आएगा, जहां पर स्टेट फंक्शनरी आ जाएगी, जब हमारे अमीर आ जाएंगे या हुकूमत बन जाएगी, जब हमारी तरफ से अमूर को निपटाने के लिए अमीर मुंतखब हो जाएंगे, तो उनका मानना, उनकी इत्तबा करना, उलुल अम्र की इत्तबा करना जरूरी हो जाता है। इस वजह से हमें कानूनी तौर पर जो है ना कानून की पासदारी और उस पर अमल दरामद करना, उसकी पैरवी करना भी असर जरूरी होता है। इस सूरत हाल में खैर शरी निकाह मुंह से एक दूसरे को इजाब कबूल करके इसके जो इंग्रेडिएंट्स है ये मैं आपको आखिर में इसके बारे में बताऊंगा। आगे चलते हैं हम कलम नंबर 6 में दुल्हन की उम्र, कलम नंबर 7 में सॉरी कलम नंबर 5 में दुल्हन की ये बारे में ये बताया जाता है कि ये कुंवारी है या मुतलका है, कलम नंबर 6। और कलम नंबर 6 के अंदर जो जुज़ अलिफ है उसके अंदर दुल्हन के हवाले से कि या मुतलका होगी तो उसकी औलाद है, बच्ची है कि नहीं है, उस हवाले से उसके बारे में बताया जाता है। कालम नंबर जो 6 है वो दुल्हन की उम्र के बारे में है। कालम नंबर 7 एक बहुत अहम कालम है, इसके बारे में समझना, इसके बारे में इसके हदूद कयूद को समझना बहुत जरूरी है। कालम नंबर 6 दुल्हन की तरफ से वकील के बारे में है। अब ये क्या चीज है दुल्हन का वकील? देखिए शरीयत में जो कुंवारी लड़की है या कोई लड़की, उसके लिए वली का होना जरूरी है। शरीयत के ताबे वली हर वो शख्स जिसने दुल्हन लड़की को परवरिश की, उसकी उसका बाप है, चाचा है, मामा है, जो मेल पर्सन है उसका वली होता है। कुंवारी लड़की का निकाह वली के बगैर जायज नहीं है, ये शरीयत में है। अलबत्ता जो लड़की शादी हो जाए, तलाक हो जाए, बेवा हो जाए, तब उसके लिए वली जरूरी नहीं है। आज के दौर में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की काफी साइटेशन अथॉरिटियां हैं, रूलिंग्स आ चुकी हैं कि जो है ना हर आखिर बालिग लड़की जो सुई जूरस है वो अपना निकाह खुद कर सकती है। तो उस वक्त में अगर वली की जरूरत हो तो अगर लड़की 18 साल से कम उम्र है लेकिन वो बालिग है, बलूगत की उम्र तक पहुंच चुकी है, तो जो वकील हैं, जो लीगल प्रैक्टिशनर लोग हैं, वो बतौर वकील वली इस खाने के अंदर अपना नाम ये कर सकते हैं। कलम नंबर 7 के अंदर बतौर वकील, बतौर वली इस खाने में आकर उस कलम नंबर 7 के अंदर अपनी डिटेल दे सकती हैं, जिससे वो जो वली वाली शर्त है शरीयत वाली वो किसी हद तक उसके तकाजे पूरे हो जाते हैं। नाजरीन इसी तरीके से कलम नंबर 8 जो है वो दुल्हन के वकील के बारे में कि तकर्रर, उसकी अपॉइंटमेंट ऑफ वली जिसे हम कह सकते हैं, वकील का तकर्रर है कि जी वाकई ये बंदा इस काबिल है कि इसे वली बनाया जा सकता है, ये शादी निकाह के मफहूम को समझ सकता है, उसके लिए दो आखिर बालिग मर्दों का नाम तहरीर किया जाता है कलम नंबर 8 में। ये दुल्हन के वकील के तकर्रर के गवाहान होते हैं, ये बड़ी अहम चीज है। इसके बाद कलम नंबर जो 9 है
वो दुल्हा की तरफ से वकील की तकरीर की हवाले सी है। दूल्हा अगर आकर बालिग हो तो यहाँ पर लिखा जाता है कि दूल्हा खुद मुख्तियार है। दूसरी सूरत में जो उसका अगर वो दूल्हा बालिग जरूर है लेकिन वो आकिल नहीं है, समझदार नहीं है, ठीक है, उसके अंदर कोई जहनी जिस्मानी या कोई सोचने समझने की सलाहियत कम है, मर्द तो है, तो क्या वो शादी नहीं कर सकता? तो शादी तो हर बालिग मर्द का हक है, अख्तियार है। दूसरी सूरत में उसके दूल्हा के वकील के तकरीर के हवाले से भी ये दो गवाह आते हैं कलम नंबर 10 के अंदर। कालम नंबर 7, 8, 9 और 10 ये थोड़े डिफरेंट है। इसकी आज के दौर में जितने भी निकाह और शादियां हमारे माशरे में चल रही हैं, इस चीज को सरसरी लिया जाता है, जबकि ये बहुत अहम तरीन कलम है जिन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने और तवज्जो करने की जरूरत है, फोकस करने की। कालम नंबर, मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, कालम नंबर 7 जो है वो दुल्हन के वकील के हवाले से है, कालम नंबर 8 उस दुल्हन के वकील के तकरीर के हवाले से है, कालम नंबर 9 जो है वो दुल्हा के हवाले से है, दुल्हा के वकील के हवाले से, कालम नंबर 10 दुल्हा के वकील के तकरीर के हवाले से है, और सबसे अहम कालम जो कालम नंबर 11 है वो है शादी के गवाहान। शादी के दो गवाहान होते हैं। अब यहाँ पर जरूरी है कि हम निकाह के जो लवाजमात हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको भी डिस्कस कर लिया जाए। नाजरीन, शादी के लिए एक आकिल बालिग लड़की और एक आकिल बालिग लड़के का होना जरूरी है, दोनों की रजामंदी, दोनों के इजाबो कबूल, एक ही मजलिस में होना, दो गवाहान की मौजूदगी, ये असल निकाह है। खुतबा सुन्नत है, वलीमा सुन्नत है, बाकी शादी पर जो खाना वगैरह उस दिन खिलाया जाता है दुल्हन के वालों की तरफ से, ये जरूरी नहीं है, ना सुन्नत है, ना ये मसनून है, ना मुस्तहब है, अलबत्ता वलीमा सुन्नत है। और दूसरी जो अहम चीज है, शादी पर जो जहेज वगैरह दिया जाता है, ये जो प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी आर्टिकल एक्ट आया है उसके तहत 1,00,000 से ज्यादा आप जहेज नहीं दे सकते। जहां पर ये डिमांड की जाए उसके लिए भी आपके पास कानूनी रास्ता रेमेडी मौजूद है कि जिस जहां पर आपसे दुल्हा वालों की तरफ से जहेज की डिमांड की जाए वहां पर आप उन्हीं की डिमांड को आप सबूत के ताबे लिख के उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। उसके जरिए आप अगर वहां से आपकी शादी से इनकार कर देते हैं, आप डेफामेशन का और बाकी चीजों के दावाजात किए जा सकते हैं। आपके पास लीगल रेमेडी मौजूद है कानून में, जो प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी आर्टिकल एक्ट है उसके दावे कानून के अंदर आपके लिए रिलीफ मौजूद है। ये वो बात है जहेज के हवाले से। शादी के गवाहान लवाजमात ये मुकम्मल हो चुके हैं। और औरत का तोहर होना भी जरूरी है। अगर औरत अयाम हैज में मौजूद है तो निकाह बेकायदा हो जाएगा, अलबत्ता जैसे वो तोहर में आएगी निकाह बाकायदा शुमार हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर यह भी जिक्र करना जरूरी है कि औरत अगर तलाक याफ्ता हो गई है तो उसके लिए 3 तोहर है, 3 तोहर 3 मेंस्ट्रुएशन पीरियड है। ये यहाँ पर एक और नुक्ता बहुत जरूरी है कि जो तोहर का जो दौरानिया है वो हर खातून का उसकी बिलहाज उम्र, जिस्मानी ताकत, जिस्मानी सूरत हाल के हिसाब से है। किसी खातून का जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है वो 11 दिन का होता है, 12 दिन का होता है, 15 दिन का, 20, 25, 30 दिन तक, 32 दिन तक भी, 35 दिन तक भी देखा गया है जो मेंस्ट्रुएशन सिंगल पीरियड है। तो इस सूरत हाल में जिस खातून का जितना मेंस्ट्रुएशन पीरियड होगा उसी हिसाब से उसके 3 तोहर काउंट किए जाएंगे। उस 3 तोहर के बाद, ये मुतलका के लिए है, बेवा के लिए 4 माह 10 दिन है। इसके अलावा बाकी जो चीजें हैं वो आपसे अगले लेक्चर में आपके इस बारे में डिस्कस किया जाएगा। आपको इस बारे में डिटेल जो तलाक है, जो बाकी चीजें हैं वो अगले लेक्चर में आपसे इंशाल्लाह इस पर डिस्कस किया जाएगा। अलबत्ता यहाँ पर यह जिक्र कर देना जरूरी है कि अगर हैज के अंदर अयाम हैज में या अयाम तोहर, ये दो चीजें डिफरेंट चीजें हैं, इनके अंदर अगर कोई शादी हो जाती है तो वो बेकायदा होगी और बाद में बाकायदा शादी हो जाएगी। अलबत्ता उन दिनों में
अगर आप अयाम हैज के अंदर आपने निकाह पढ़ा गया और उसी दौरान आपने उसी हालत में औरत के साथ अगर कोई खुदा ना खास्ता जाती है अपने हकूक अज़वाज हकूक पेश किए जाते हैं तो वो जना में शुमार होंगे। अलबत्ता जब औरत पाक हो जाए तोहर में आ जाए तो फिर वो आपका निकाह हिलाल हो जाएगा, आपके तमाम तर वो जो लताइफ हैं या जो आपके अज़वाज हकूक हैं वो आपके जायज करार दिए जाएंगे। नाजरीन यहां तक जो बात है ये अमूमन हर एक निकाह के अंदर हर होने वाले निकाह की मजलिस के अंदर ये जरूरी है। इससे अगला जो कालम है कालम नंबर 12 वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके साथ जो मैचिंग कालम है वो कालम नंबर है हमारे पास 24 कालम। कालम 12 और कालम नंबर 24 इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कालम नंबर 12 के ताबे इवन आपकी जो शरी शादी है आप लोगों ने किसी मजलिस में बैठकर हिजाब कबूल कर लिए, खुतबा हुआ या ना हुआ, किसी सूरत हाल के अंदर अगर आपको जरूरी हो गया, कोई नादानी आफत आ गई, कोई मसला हो गया, फौरन आपको शादी करना, किसी बीमारी किसी तकलीफ किसी वजह से जरूरी हो जाता है, आपकी शादी हो गई, ये वो शादी सर अंजाम पाने की तारीख कालम नंबर 12 के अंदर ये तहरीर होती है। यहाँ पर आप शादी पाने सरंजाम पाने की तारीख लिखी जाती है। और जो कालम नंबर 24 है उसके अंदर शादी को रजिस्ट्रेशन की डेट है, ये आपकी तारीख है, ये आपका अख्तियार है। अलबत्ता जो कालम नंबर 24 है वो निकाह रजिस्ट्रार का अख्तियार है, जिस दिन निकाह नामा एग्जीक्यूट होगा उस दिन की ये तारीख कालम नंबर 24 में लिखी जाती है। शादी सरंजाम पाने की जो तारीख है वो कालम नंबर 12 में। नाज़रीन इसके बाद कालम नंबर 13 बहुत जरूरी और अहम कालम है। कालम नंबर जो 13 है उसमें मेहर हक़ुल मेहर की जो रकम है वो लिखी जाती है। कालम नंबर 13 14 15 और 16 ये चार कालम निकाह नामे के निकाह के अवज जो खातून का राइट होता है जिसे फैमिली कोर्ट एक्ट की जो अमेंडमेंट 2016 शेड्यूल 2 के अंदर सब जो उसका है क्वेश्चन 10 नया ऐड है पर्सनल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू वाइफ का जो तस्करा है वो इसी चार कलम के को ही वो डिस्कस करता है, इन पर वो मुश्तमिल है। मेहर की जो रकम है वो टोटल यहां पर लिखी जाती है, जबकि आज की जहां पर माशरे में जो प्रैक्टिस चल रही है वो उस टाइम 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000 रुपए लिख दिया जाता है कि ये जी मुंह दिखाई है ये अभी रकम है आपकी लड़की हिलाल हो जाएगी इसके लिए आपकी दुल्हन, तो ये गलत है। टोटल मेहर की जो रकम होती है कलम नंबर 13 में लिखनी चाहिए। अब इसी की जो वजाहत है वो कलम नंबर 14 में आ रही है, मेहर की कितनी रकम मुअज्जल है कितनी गैर मुअज्जल। नाजरीन ये बहुत अहम चीज है, मुअज्जल या गैर मुअज्जल, गैर मुअज्जल या मुअज्जल ये क्या चीज है, इस चीज को समझना जरूरी है। जो मुअज्जल है आइन जीम लाम वो इजलत से उसका रूट वर्ड है, जल्दी बिला ताखीर फौरन अदा करना। जो गैर मुअज्जल है वो आप बाद में भी अदा कर सकते हैं। अलबत्ता जो मुअज्जल है या मुअज्जल है वो आपका बाद में अदा करने वाला होता है। अलबत्ता यहाँ पर एक अहम चीज जो डिस्कस करने वाली है, हक़ुल मुहर हक़ुल मेहर चाहे मुअज्जल हो चाहे गैर मुअज्जल, औरत जिस दिन सॉरी बीवी जिस दिन डिमांड करेगी उसी टाइम वो मुअज्जल है तो प्रॉम्प्ट हो गया, गैर मुअज्जल है डेफर्ड है तो वो भी प्रॉम्प्ट हो जाएगा एट द टाइम ऑफ डिमांड बाय द वाइफ थ्रू द एग्जीक्यूटेड निकाहनामा, वहां से आपके लिए मुअज्जल हो जाएगा प्रॉम्प्ट हो जाएगा, आपको फौरन अदा करना पड़ेगा। ये बहुत अहम टॉपिक है। 14 नंबर कालम में ये लिखा जाता है कितनी रकम फौरन अदा करेगा,
जो वो उसके लिए लड़की हलाल हो जाएगी और कितनी रकम बाद में अदा करेगा, इसमें आप जायदाद दे सकते हैं, सोना लिख सकते हैं, रकम लिख सकते हैं, चेक लिख सकते हैं, कोई रियासत लिख सकते हैं, कोई और प्रॉपर्टी, व्हाट सो एवर, व्हाट काइंड ऑफ माल, जानवर, कोई भी चीजें आप इसके अंदर वो इसका हवाला दे सकते हैं। नाजरीन, जहां पर एक और अहम टॉपिक मैं आपसे जिक्र करता चलूं, महर दो किस्म के होते हैं, महर मिसल और सादा महर। जो महर मिसल होता है वो थोड़ा सा इस तरह है कि मिसाल के तौर पर एक फैमिली में 10 खवातीन की शादी की गई है और हर खातून को 5 तोले सोना, 1 मुरब्बा जमीन या 1 एकड़ जमीन और 5 लाख रुपए ये दिया गया है, हर खातून को चलता आ रहा है। तो जो अगला निकाह होगा वो भी महर मिसल के तकाजों पर पूरा उतरेगा और इस टाइम जो निकाह हो गया उस फैमिली की अगली 11वीं खातून का, उसका भी महर मिसल मुकर्रर होगा। हाँ, अगर औरत खुद चाहे कि जी मैं ये महर नहीं लेना चाहती, मैं सिंपल महर पे अगर औरत खुद छोड़ दे तो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये प्योरली राइट बिलोंग टू वाइफ है, ये उसकी मर्जी है, वो कितना हक और महर डिमांड करती है, ये उसी के डिमांड के मुताबिक ये हक और महर तय पाया जाएगा। नाजरीन, अगले कॉलम की तरफ आते हैं, कॉलम नंबर 14, जो कॉलम नंबर सॉरी कॉलम नंबर 15 की तरफ आते हैं, जो कॉलम नंबर 13 और 14 को मजीद नरेट कर रहा है, इसको एक्सप्लोर कर रहा है कि कितना हिस्सा महर का शादी के मौके पर दिया गया और अगर दिया गया है तो किस कदर वो इसी चीज के बारे में है कि आया आपने उसको 5 तोला सोना पहना दिया है, 2 तोला सोना पहना दिया है, 2 लाख रुपए दे दिए, कोई मौके पर जायदाद दे दी है, घर दे दिया है, कोई और चीज दे दी गई है, ये कितना दिया गया है। और जो कॉलम नंबर 16 है वो फिर इसी चीज की प्रॉपर्टी की मजीद जो एक्सप्लेनेशन है वो पूछ रहा बता यहाँ पर लेके तहरीर की जाती है कि जी इस कॉलम को मैं पढ़ देता हूँ, आया पूरे महर या उसके किसी हिस्सा के अवज कोई जायदाद दी गई है, अगर दी गई है उस जायदाद की सराहत यानी कि उसकी वजाहत, उसकी कीमत या उसकी कीमत के मुताबिक कोई और चीज जो लिखी गई हो मौके पर, जो लियान बन सके, जो मुतबादिल हो सके, उसका जिक्र यहाँ पर, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी इसका नाम है, ये कॉलम नंबर आपके 16 के अंदर लिखा जाता है। नाजरीन, मेरे ख्याल में महर, महर की इकसाम और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन या उसकी डिवीजन के हवाले से ये तमाम तफसील दी गई है। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन रहता है आपका तो आप कमेंट में इसके बारे में लिख सकते हैं।